बीजेपी सरकार की तरफ से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे, सिलेंडर गैस सिलेंडर के दाम, सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे। युवा कांग्रेस चंडीगढ़ के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे सेक्टर 19 मार्केट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोगों से बात करते क्योंकि पहले कोरोना की मार लोगों को पड़ चुकी है, अब ये पेट्रोल और डीजल की मार चल रही है। हमारे साथ प्रीति केसरी जी है, इनसे हम बात करते। प्रीति केसरी जी, आपका क्या कहना है जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मैं चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस की तरफ से चंडीगढ़ की जनता और देश की जनता को यही बताना चाहती हूँ कि जिस तरह इस समय देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और इतनी ज़्यादा महंगाई सरकार की तरफ से कर दी गई है, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, तो लोग वैसे ही इन महामारी से जूझ रहे थे और इन्होंने महंगाई से भी बुरा हाल कर दिया है लोगों का। ये देखिए, ये पेट्रोल और डीजल के डिब्बे। हम एक समय था जब शादी ब्याह में लोग अपने बच्चों के लिए शादी ब्याह का न्योता देने रिश्तेदारों के घर जाते थे तो मिठाई के महंगे महंगे उपहार लेकर जाते थे उनको न्योता देने के लिए। लेकिन आज ऐसा समय आ गया है कि हमें पेट्रोल और डीजल के डिब्बे जाके उनको देने पड़ेंगे, क्योंकि वो ये देख के खुश हो जाएंगे कि जिस शादी का न्योता उनको आया है उस शादी में वापसी जाने के लिए गाड़ी में पेट्रोल का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं मोदी सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि मोदी जी, जब आप प्रधानमंत्री बने थे तो आपने कहा था कि मित्रों, मैं प्रधानमंत्री बन गया, ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे प्रधानमंत्री बनने पर पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं। और लेकिन मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि मोदी जी, आप देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो, क्योंकि वो आपका सौभाग्य जरूर होगा जब डीजल और तेल की कीमतें कम हुई थी, लेकिन ये भी आपका दुर्भाग्य है। आप इसको भी मानिए कि आज इतिहास में पहली बार डीजल के दाम पेट्रोल से भी महंगे हो गए। जिस तरह डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि स्कूटर और सिलेंडरों ने आत्मदाह कर लिया है। और वो भी समय दूर नहीं है कि आने वाला समय ऐसा आने वाला है कि लोग सड़कों पर उतरकर ग्राम पंचायतों में आत्महत्या करेंगे। हाय हाय बीजेपी, हाय हाय मोदी सरकार, मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार, मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी, हाय हाय बीजेपी, हाय हाय डीजल और पेट्रोल की कीमत बड़ी, वापस लो वापस लो वापस लो मोदी सरकार, मुर्दाबाद 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 चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जिंदाबाद। हमारे वापिस लो बड़ी कीमतें, वापिस लो वापिस लो वापिस लो पेट्रोल डीजल के दाम कम करो कम करो कम करो पेट्रोल डीजल गैस के दाम कम करो कम करो कम करो मोदी सरकार दाम कम करो कम करो कम करो मोदी सरकार, हाय 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 मोदी सरकार, हाय 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 बीजेपी सरकार, हाय हाय हमारे साथ हरबेल केसरी है, हम केसरी से बात करते हैं। आज का हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़ाए हैं सरकार ने, उसके लिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देखिए, ये जिस प्रकार से आज स्कूटरों ने आत्महत्या की है आपके सामने है, एक मुजाहरा कर रहे हैं हम, और सिलेंडरों ने आत्महत्या की है, वो दिन दूर नहीं है जब एक आम आदमी सड़क के ऊपर ग्राम पंचायत में कॉलोनी के अंदर खड़ा होकर ऐसे आत्महत्या करेगा। तो मोदी सरकार तक हम ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि ऐसा दिन मत आने दें, जल्द से जल्द महंगाई को कम करें ताकि गरीब आदमी एक आसानी से जिंदगी जी सके। ये शादी वाले जो डब्बे है, ये गिफ्ट वाले, ये पेट्रोल रखा हुआ है इसमें, ये किस लिए है? हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो रखा है हमने इसमें, हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे पहले शादी के समय में मिठाइयाँ ड्राई फ्रूट गिफ्ट दिए जाते थे, आज समय आ गया है कि महंगा पेट्रोल गिफ्ट दिया जाए ताकि हम जो हमारे रिश्तेदारों को हम बुलाना चाहते हैं वो शादी में आने से कतराए ना, सबसे पहली बात, ताकि उनको पेट्रोल मिल जाए और वो तुम्हारी शादी को अटेंड कर सके। वापस लो डीजल पेट्रोल के दाम कम करो कम करो कम करो मोदी सरकार, मुर्दाबाद 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 यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद। चंडीगढ़ युवा कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है, बीजेपी के अगेंस्ट यादविंदर जी हमारे साथ है। यादविंदर जी, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये मतलब कि कीमतें बढ़ने के कारण पेट्रोल डीजल गैस, आपका क्या कहना है? कहना ये है कि जो सोई हुई सरकार है उसको जगाने के लिए आज हमारा प्रदर्शन है, जो कि लगातार चलता रहा है। कांग्रेस से लेकर युवा कांग्रेस से लेकर महिला कांग्रेस सभी हमारे
सड़कों पे उतरे हुए हैं, क्योंकि लोगों की आवाज़ बनकर हम सड़कों पर है। इनको ये नहीं पता चल रहा कोरोना की महामारी से आज घर घर लोग बिल्कुल ही त्राई त्राई मची हुई है। इनका रोज़गार उनके पास नहीं है, तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, ऊपर से लगातार तेल के रेट बढ़ाए जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। ऐसे ये एक आक्रोश है लोगों का, लोग चाहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं किसी तरह का मरहम मिले। ये और ये नमक जख्म पर नमक छिड़कने का काम कर रही है ये सरकार। टीवी ट्राई सिटी न्यूज़ से मैं सुनील शर्मा, कैमरामैन वरिंदर जी सिंह।